अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजेश मोगल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आप सबकी दुआएं। तो काफ़ी लोगों पे कमेंट्स आ रहे थे कि JF-17 थंडर पे रिएक्शन दे, उस पर एक मतलब कि हमें बताएं कि इसको दुनिया में क्यों इतना ज़्यादा प्रूव किया गया है और इतनी ज़्यादा इसकी पहचान बन गई है। तो इसी के लेकर मैं ये वीडियो हाजिर हुआ हूँ आपके सामने, जिसका टाइटल है सक्सेसफुल स्ट्रेटजी पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 आल्सो आवर हेडमिट चाइना। हालांकि इससे बेहतर और अच्छे जो फाइटर जेट हैं वो चाइना के पास हैं, आप लोगों को पता भी है। ये भी बेसिकली चाइना ने ही बनाया है, तो मतलब कि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया है। तो बेसिक चाइना की ही स्टार्टिंग है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें। तो जितने भी न्यू मेंबर हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा रिएक्शन देखने के लिए, मेरी ओपिनियन जानने के लिए आपको वीडियो कंप्लीट वॉच करनी पड़ेगी। तो चलें, लेट्स गो। रहमानुर्रहीम, एक और नई वीडियो के साथ पाकिस्तान डिफेंस अपडेट्स में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान का सिर्फ JF-17 थंडर ही नहीं, चीन के पास भी बहुत से ऐसे चौथी और चौथी नस्ल से आगे के लड़ाका तैयारी मौजूद हैं जिनको इंटरनेशनल मार्केट में चीन की तरफ से प्रोव किया जा सकता है, जैसे कि चाइनीज J-10, J-11 और J-16 एयरक्राफ्ट इंटरनेशनल मार्केट में प्रोव के लिए चीन की तरफ से पेश भी किए गए, लेकिन चीन को महदूद कामयाबी ही हासिल हुई। और JF-17 थंडर अगरचे बहुत सी एयर फोर्सेस में शामिल नहीं हो सका, लेकिन बहुत से ऐसे ममालिक तो हैं जो इस एयरक्राफ्ट को हासिल करने के लिए पाकिस्तान और चीन के साथ रابطे में हैं। क्या वजह है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 इस वक्त दुनिया की बहुत सी एयर फोर्सेस का फेवरेट एयरक्राफ्ट है, और जबकि चाइना के JF-17 थंडर से भी ज़्यादा खसूसियात के हामिल एयरक्राफ्ट इंटरनेशनल मार्केट में अपना मुकाम नहीं बना पाए। माहरीन की तरफ से इसकी बहुत सी वजूहात बयान की गई हैं, मुख्तलिफ अवामिल इसके साथ मंसूब किए गए हैं, और कुछ मुमकिना वजूहात को ही आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले अगर टेक्नोलॉजी और क्वालिटी को देखा जाए तो चीन के J-10, J-11, J-16 एयरक्राफ्ट इंतहाई एडवांस और ज़्यादा सलाहियतों के हामिल एयरक्राफ्ट हैं, जबकि JF-17 थंडर सिंगल इंजन का हामिल एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस और फीचर्स के लिहाज से भी जदीद एयरक्राफ्ट की सफ में शुमार होता है। लेकिन चाइना के J-11 और J-16 एयरक्राफ्ट को रशियन एयरक्राफ्ट की कॉपी कहा जाता है, इसलिए इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स की राय यह है कि जो मुल्क चीन से ये एयरक्राफ्ट हासिल करेगा उसके पास इससे बेहतर ऑप्शन भी मौजूद है कि वो इनका ओरिजिनल वेरिएंट रशिया से हासिल करें। यही वजह है कि चाइना के ये एयरक्राफ्ट इंटरनेशनल मार्केट में कॉपी की छाप की वजह से ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सके। माहरीन की तरफ से दूसरी जो बड़ी वजह बताई गई है वो इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स है। चीन की खारजा पॉलिसी और बैनुल अक्वामी ताल्लुकात भी लड़ाका तैयारों की बरामद पर असर अंदाज होते। चीन के बहुत से ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, सियासी तहफ़ुज़ात और इंसानी हकूक़ के मसाइल बाद ममालिक को फौजी साजो सामान फरोख करने की उसकी सलाहियत को मुतासिर कर सकते हैं। इसके बरक्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ सफारती ताल्लुकात हैं और वो अपने तैयारों की मार्केटिंग और वसी तर ममालिक को फरोख करने में ज़्यादा कामयाब हो सकता है। अगरचे चीन के रिलेशन दूसरे ममालिक के साथ पाकिस्तान की नस्बत ज़्यादा हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में चाइना की मिलिट्री बिग टिकट मसनूआत को कोई भी मुल्क अभी ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी बड़ी वजह मार्केटिंग और प्रमोशन है। पाकिस्तान अपनी JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट को दूसरे ममालिक को फरोख करने के लिए ज़्यादा जारहाना पॉलिसी अपनाए हुए है और वो कामयाब भी रहा है। पाकिस्तान की मुअत्तर मार्केटिंग की हिकमत अमली, प्रमोशनल कोशिशें और सेल पिचेस फौजी साजो सामान की बैनुल अक्वामी फरोख को फरोग देते हैं, और मुमकिना JF-17 थंडर के मुआहदों को हासिल करने में भी इस सब ने अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने खरीदारों तक उसकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए मजीद वसाइल इस्तेमाल किए और बहुत ज़्यादा सरमायाकारी भी की है, जबकि चीन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया। चौथी बड़ी वजह इस्ताद और लागत है।
باہر کی قوت خرید پر پاکستان کا G17 تھنڈر زیادہ مطابقت رکھتا ہے. لڑاکا ہتھیاروں کی خریداری کے خواہاں ممالک کے لیے فیصلہ سازی کے عمل میں کم قیمت بھی اہم کردار ادا کرتی ہے. دوسرے لڑاکا ہتھیاروں کے مقابلے میں ایک سستا آپشن ایک پرکشش آفر ہو سکتا ہے G17. بالکل کوئی بھی چیز ہے وہ اگر اس کی قیمت کم ہے لیکن فیوچرز میں کافی زبردست آ رہی ہے تو وہ زیادہ ہی بکتی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تھنڈر ہتھیاروں کی قیمت چائنیز ایئر کرافٹ کی نسبت بہت کم ہے جو اسے بجٹ کی کمی والے ممالک کے لیے زیادہ پرکشش بنا سکتا ہے. چین کے لڑاکا ہتھیارے زیادہ مہنگے ہیں اور یہی قیمت ان ایئر کرافٹ کو مخصوص خریداروں تک محدود کر دیتی ہے. پانچویں اور آخری بڑی وجہ جو بتائی گئی ہے وہ ہے کسٹمائزیشن اور اڈیپٹیبلٹی, یعنی حسب ضرورت ایئر کرافٹ میں ترامیم کی جا سکتی ہیں. پاکستان اور چین کا اگرچہ G17 تھنڈر مشترکہ منصوبہ ہے لیکن یہ مختلف ممالک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حسب ضرورت اختیارات پیش کرتا ہے. ڈیزائن اور کسٹمر کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں مزید تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں. بالکل یہ فلیکسیبلٹی بہت سے بائرز کو G17 تھنڈر کی طرف جھکا رکھی ہے. چینی جیٹ ہتھیاروں کے مقابلے میں G17 تھنڈر کی زیادہ سیل میں ایک یہ فیکٹر بھی اہم ہے اور جو اس ایئر کرافٹ کو پرکشش بھی بناتا ہے, جبکہ چائنیز ایئر کرافٹ میں موڈیفیکیشن کی زیادہ گنجائش موجود نہیں ہے. مجموعی طور پر لڑاکا ہتھیاروں جیسے فوجی ساز و سامان کو برآمد کرنے میں کسی ملک کی کامیابی کا انحصار ٹیکنالوجی معیار لاگت مارکیٹنگ بین الاقوامی تعلقات اور کسٹمر کی ضروریات سمیت عوامل کے امتزاج پر ہوتا ہے. ان عوامل کے بارے میں ہر ملک کا نقطہ نظر اسلحے کی عالمی منڈی میں اس کی کامیابی کو متاثر کر سکتا ہے. G17 تھنڈر کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن ماہرین کی طرف سے بنیادی نکات کی نشاندہی کی گئی ہے جو آپ تمام دوستوں تک ویڈیو کی شکل میں پیش کر دی گئی ہیں. آج کی اپڈیٹ میں اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کی گائز. آج پتہ چلا ہے کہ پاکستان کو چائنا نے اپنے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے, خاص طور پہ فائٹر جیٹ وغیرہ بنانے, میزائل, اس چیزوں کے اندر انوالو کیوں کیا ہوا ہے, کیونکہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کو سیل کرنا چاہتا ہے اور چائنا پہ جو پابندیاں وغیرہ بھی کچھ لگی ہوئی ہیں جو کہ امریکہ نے لگائی ہیں. ظاہر سی بات ہے چائنا امریکہ کو ٹکر دیتا ہے تو اس وجہ سے لگی ہوئی ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.